दोस्तों हरियाणा के शिक्षकों या अध्यापकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के द्वारा नोटिस जारी करके जो कॉलेज शिक्षा भर्ती है उससे यहाँ पे रोक हटा दी गई है। आप यहाँ पे जानते ही हैं हरियाणा एडिड कॉलेजों में शिक्षा भर्ती पर रोक लगी हुई थी। अभी यहाँ पे नियुक्ति के लिए जो पैरामीटर है और जो प्रोफेसर हैं उनके लिए जो पद हैं वो भरे जाएंगे। यहाँ पे मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर और जो पद हैं वो कितने यहाँ पे जारी किए जाएंगे, और साथ ही यहाँ पे पूरी जो नोटिस है यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा जो हरियाणा चंडीगढ़ है उनके द्वारा क्या कुछ यहाँ पे कहा गया है, मैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आप तक लगातार पहुँचती रहे और साथ ही और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी लग पाई। तो चलिए दोस्तों हम नोटिस देख लेते हैं क्या कुछ हायर एजुकेशन हरियाणा के द्वारा कहा गया है। तो चलिए हम नोटिस पे चलते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा यहाँ पे नोटिस डाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेज इन स्टेट ऑफ हरियाणा, इसको लेकर के ये नोटिस डाला गया है। मेमो नंबर यहाँ पे दिया गया है और साथ में आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं 12/12/2022 यहाँ पे डेट दी गई है, यानी कि कल की डेट में ये यहाँ पे नोटिस डाला गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या कुछ जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवाइज्ड क्राइटेरिया फॉर दी रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस इन स्टेट ऑफ हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पे रिविजन डाला गया है, जो क्राइटेरिया है जो आपकी पात्रता रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे तय की गई है उसके बारे में यहाँ पे नोटिस डाला गया है। अब आप यहाँ पे देख लेंगे काइंडली रेफर टू दी सब्जेक्ट सिटेड अबव। तो यहाँ पे आप देखेंगे द रिवाइज्ड क्राइटेरिया फॉर दी रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेशन एंड प्रिंसिपल्स इन गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेज इन स्टेट ऑफ हरियाणा हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो नोटिस के द्वारा बताया गया है जो एडिड कॉलेज हैं उनमें भर्ती जो है वो शुरू की जाएगी, वो अप्रूव कर दी गई है। द कॉपी ऑफ द रिवाइज्ड क्राइटेरिया इन इंक्लोज्ड हियर विद नेसेसरी एक्शन। तो दोस्तों आगे की जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार जो है वो भर्ती की जाएगी, यहाँ पे पात्रता तय की जाएगी। अभी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ यहाँ पे पहले हम नोटिस देख लेते हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी है किस किस को ये भेजा गया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। तो इस प्रकार से सभी कॉलेजेस को ये नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैं आपको जो पैरामीटर है और अन्य जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा एडेड कॉलेज में जो भर्ती है वो रोक लगी हुई थी, अब ये हट चुकी है। तो यहाँ पे आप नोटिस देख ही रहे हैं। तो अभी जो नियुक्ति के लिए पैरामीटर तय किए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ पे 1400 जो पद है वो भरे जाएंगे। इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ पे 12.5 अंक जो है वो दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य भर के एडिड कॉलेजों में लगी शिक्षा भर्ती से रोक हटा ली है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पदों को नियुक्ति के लिए 6 पैरामीटर तय किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो पैरामीटर हैं वो यहाँ पे 6 तय किए गए हैं। अभी यहाँ पे सरकार के इस फैसले से सरकारी कॉलेजों में खाली पड़े 1400 असिस्टेंट प्रोफेसरों के जो पद हैं वो भरे जा सकेंगे। प्रिंसिपल के 51 पद अभी रिक्त हैं। तो दोस्तों अभी तक जो भर्ती ना हो पाई थी तो उसके कारण जो प्रिंसिपल के जो पद हैं वो 51 अभी तक रिक्त ही पड़े हुए हैं। हरियाणा में 97 यानी कि 97 सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेज संचालित होते हैं। इस कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों और प्रिंसिपलों के लिए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन किए जाने तक रोक लगा दी थी, इससे 1400 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल के 51 पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। अब उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों का मूल्यांकन 6 मापदंडों पर किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 6 पैरामीटर तय किए गए हैं, इनके अनुसार आगे भर्ती की जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भी नोटिस जारी कर दिया गया है और जो रिवीजन यहाँ पे क्राइटेरिया के अनुसार रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे डाला जाएगा उसके अनुसार यहाँ पे एडिड जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भर्ती की जाएगी। यहाँ पे आप 6 मापदंड जो रहेंगे उनको यदि आप क्लियर कर देते हैं उसके बाद आप यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नियुक्ति के लिए जो पैरामीटर हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे एजुकेशन रिकॉर्ड के लिए 40 अंक दिए गए हैं। अनुभव के लिए आपको यहाँ पे 20 नंबर मिलने वाले हैं। खेल के लिए आपको यहाँ पे 5 नंबर तय किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे
संशोधन किया गया है। इंटरव्यू के लिए 12.5 अंक आपको दिए जाएंगे और एजुकेशन रिकॉर्ड के लिए आपको 40 अंक, एक्सपीरियंस और शोध के लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन PhD, RF, नेट और सेट के लिए 15 मिलेंगे। सह पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधियों, NSS, NCC, गणतंत्र दिवस परेड में भागीदारी और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और पोजीशन के लिए आपको 7.5 अंक और खेल के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्राइटेरिया आप देख लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इंटरव्यू के लिए 3 सब कैटेगरी यहाँ पे रखी गई हैं। यहाँ पे साक्षात्कार को आगे 3 सब कैटेगरी रखी गई हैं। विषय ज्ञान के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, जिसमें चयन समिति द्वारा चुने गए विषय पर 4 से 5 अंक, प्रस्तुति संचार कौशल ICT सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुसार, ज्ञान के लिए 4.5 अंक और व्यक्तित्व के लिए 3 अंक शामिल हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ इंटरव्यू के लिए जो है आपको 3 कैटेगरी जो है वो रखी गई है, जो सब कैटेगरी कहते हैं वो रखी गई हैं। इसके अनुसार आपको विषय ज्ञान के लिए 5 अंक दिए जाएंगे, जिसमें चयन समिति द्वारा चुने गए विषय पर 4 से 5 मिनट की प्रस्तुति आपको देनी होगी, उसके अनुसार किया जाएगा। संचार कौशल और ICT यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए आपको 4.5 अंक और व्यक्तित्व यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी रहेगी उसके लिए 3 अंक शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी जानकारी भविष्य में आप तक लगातार पहुँचती रहे और आप लगातार अपडेट रह पाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।